दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी अपडेट है रेलवे के लिए, रेलवे अभ्यर्थियों के लिए जो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है रेलवे का एनटीपीसी का, तो यहाँ पे पहली खबर उनके लिए है और दूसरी खबर ग्रुप डी की है। तो पहली खबर के बारे में बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी की, तो यहाँ पे करीब आपके जैसे कि आप जानते हैं 125,000 लोगों ने अप्लाई किया था आपका रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो यहाँ पे अभी अजमेर बोर्ड से बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि 125,000 में से केवल 60 लाख अभ्यर्थी नहीं बैठे हैं आपकी परीक्षा में। तो केवल यानी कि आप देखिए रेलवे के 2 अरब की बचत यहाँ पे हुई है, टोटली करीब आपके आधे से ज़्यादा बच्चे आपके एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं हैं यहाँ पे। तो इसके लिए जो बोर्ड था उसने ये बताया कि रेलवे के इससे 2 अरब का करीब गेन हुआ है, रुपयों की बचत हुई है। रेलवे में लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए पूरे देश में बेरोजगारी के बीच आवेदन करने की होड़ तो मची है, लेकिन परीक्षा देने में ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं दे रही, ये उन्होंने कहा है। रेलवे भर्ती की बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षा में रिकॉर्ड 125,000 भर्तियों ने इस बार आवेदन फॉर्म भरे हैं, लेकिन इनमें से केवल 60 लाख से अधिक अभ्यर्थी ही परीक्षा देने नहीं आए। पूरे देश में ही परीक्षा में अभ्यर्थियों की औसतन उपस्थिति यानी एवरेज जो रहा है वो 45 से 50% तक रहा है। रिकॉर्ड अभ्यर्थी और कोरोना की बड़ाई मुश्किलें, तो ये जो है कि आपका ये बताया जा रहा है कि कोरोना से बड़ी है। और रेलवे में गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटी लिपिक वर्ग के लिए 35,000 पद भरे जाने थे, यानी कि एनटीपीसी वाले जो 35,000 पद थे, इसके लिए इतनी अधिक संख्या में आए आवेदन और कोरोना ने रेलवे की एक बार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस वजह से प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित करने में लगभग 1.5 साल की देरी हो गई है। तो यहाँ पर रेलवे ने पूरा जो अपना ब्लेम है वो कोरोना पर फेंक दिया है। इस चीज़ का आपको पता ही है कि ये वैकेंसी जो है आपकी कोरोना से पहले ही आ चुकी थी और 1 साल पहले ही आ चुकी थी, तो इसमें पूरी पूरी रेलवे की गलती है भाई। कोई इंसान कब तक वेट करेगा आपकी इस रेलवे की वैकेंसी का? आप कब एग्ज़ाम कराते हो? 3-4 साल में आप वैकेंसी का एग्ज़ाम कराते हो। और आप जानते हैं SSC का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसी के लिए ही चल रहा है, देरी के लिए एग्ज़ाम का, जो आप लोग बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हो। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि केवल होड़ मिनी बची पड़ी है, तो ये उनका कहना बिल्कुल सरासर गलत है। सर इसमें टोटली गलती आपकी है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट टाइम से एग्ज़ाम करा नहीं पाया। कोई इंसान इतना फालतू नहीं है कि वो आपका वेट करेगा आप कब तक एग्ज़ाम कराओ। खैर सरकार को इन चीज़ों से बचत ही होती है। यहाँ पे रेलवे को 200 करोड़ की रुपये की बचत यहाँ से हुई है, और देरी से और आधी अधूरी तैयारी रही वजह। बहुत सी वजह हो सकती है, कोई टाइम से पहुंचा नहीं और बहुत से जगह सेंटर आपके दूर दूर फेंक दिए गए थे, पर लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है देरी और आधी अधूरी तैयारी, यानी कि भाई अचानक एग्ज़ाम अब हो, एग्ज़ाम के लिए वैसे बता दिया गया था कि आपके 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होंगे और 28 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, पर बच्चे तब भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी बहुत लोगों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। तो ये यहाँ पे बात रखी जा रही है। तो मैं पहले ही बता दूँ यहाँ पे जो UR कैटेगरी के थे उनके 500 रुपीज़ थे और आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे 250 रुपये थे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 60 लाख अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए, जिससे कि रेलवे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जो अब उनकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी और फ़ी रिफ़ंड उन्हीं की होगी जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जो न्यूज़ दी है वहाँ पे अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के KR चौधरी द्वारा दी गई है। अगली रिपोर्ट में चलते हैं रेलवे की। देखिए रिपोर्ट ये है, ये राजस्थान पत्रिका है, इसके अंदर ये छपा है, रेलवे में ग्रुप डी के करीब 1 लाख से अधिक पद खाली है, पद पर भर्ती होने जा रही है, पर लेकिन यहाँ पे जो है आपकी 1,20,00,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रख। तो यहाँ पे करीब आपके 1,20,00,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, जिसको जो कि भरे जाएंगे 1,37,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे में ट्रैकमैन, फायर, चौकीदार, गेटमैन और हेल्पर की यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ 1 लाख से अधिक पद के लिए भर्ती परीक्षा शुरू कर दी गई है। इन पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से प्रारंभिक करने की तैयारी की जा रही है, तो अप्रैल के लास्ट में ये स्टार्ट हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी तैयार रखें। और लिपिक वर्ग की परीक्षा अंतिम चरण में है, यहाँ पर CBT 1 जो है आपका NTPC का 35,000 वैकेंसी में यहाँ पे चल रहा है, जो कि अब लास्ट स्टेज में है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल NTPC के 35,000 पद के लिए लिपिक परीक्षा चल रही है, जो दिसंबर से चल रही है परीक्षा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है, 1,20,00,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, ये बहुत बड़ी यहाँ की अपडेट है। तो आप लोगों का कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और क्या आपको लगता है कि रेलवे एग्ज़ाम करा पाएगा, अप्रैल में स्टार्ट करा पाएगा ग्रुप डी के? कब आएगा CBT 2 का नोटिफिकेशन, कब आएगा CBT 1 का रिज़ल्ट, NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ है? तो
ये पूरा पूरा मान के चाहिए रेलवे ये वाला साल तो पूरा खाएगा ही, तो इस चक्कर में मत रहिएगा। और वैकेंसी जो आ रही है उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा, रेलवे के चक्कर में ज़्यादा रहिएगा मत, ठीक है। पर इसकी तैयारी पक्का रखिएगा क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहाँ पे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जॉब नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, बाय।